त्यौहार मनाए जाएंगे वो 22 तारीख को सबके लिए दिवाली रहने वाली है। तो हम निकले हैं दोनों सिटी का टूर करने के लिए। चलो आपको दिखाते हैं किस सिटी में, वर्धा में क्या क्या तैयारियाँ चल रही है। तो दोस्तों देख सकते हो आप जहाँ वहाँ पे श्री राम मंदिर की प्रतिष्ठापना की तैयारी चल रही है। राइट, तो पूरा शहर आप दिवाली से देखिए लग रहा है कि दिवाली से भी बहुत बढ़िया। सब देखो कितना सुंदर। मस्त सजाया है यार फ्रेंड्स, एकदम दिवाली में कोई इतना नहीं सजाता इतना, एकदम बहुत अच्छा वेदर लग रहा है, एकदम पूरा जोश पूर्ण वातावरण है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी हम थोड़ा आज सवेरे ही हैदराबाद से यहाँ पहुँचे क्योंकि ट्रेन लेट थी आज, तो 12:00 बज गया था दोपहर का। ये देखो भगवान जी को फॉलो करते हुए हम चल दिए उनके पीछे पीछे। ये देखिए ये साईं मंदिर बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया है, सब लाइटिंग वाइटिंग सब लगा दी है। चलो चलते हैं अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ साईं मंदिर में हम आए हैं और यहाँ पे राम कथा चल रही है, इतना अच्छे से डेकोर। ये देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से स्टेज वगैरह बनाया हुआ है। ये सभी लोग लगे हुए हैं साफ सफाई करने में। तो चलो चलते हैं। जय श्री राम। आप क्या बने थे? लक्ष्मण। वाओ, राम जी का है। लक्ष्मण जी के सारे फोटो ले रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। ओके, आप रुकिए 1 सेकंड। तो फ्रेंड्स अभी हम साईं बाबा के टेंपल में हैं और अंकल से पूछते हैं कि 22 जनवरी को क्या क्या प्रोग्राम्स है यहाँ पर। अंकल प्लीज बताइए 22 जनवरी को क्या क्या प्रोग्राम है। सवेरे 8 से 11 बजे तक गायत्री परिवार का यज्ञ है। वाओ, और 11 से 1 तक लाइव स्ट्रीम पर अयोध्या का जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसका लाइव प्रक्षेपण भी आज दिखा रहे हैं यहाँ से 11 से। हम यहाँ स्क्रीन लगाएंगे बड़ा। ओके ओके, स्क्रीन पे सबको दिखाएंगे। ठीक है, उस बीच में नाम संकीर्तन वगैरह चलता रहेगा। ओके, और 2 से 4:30 बजे तक कथा है। कथा है, हाँ। 4:30 बजे के बाद सबको फ्री करेंगे। हाँ, सब घर जाएंगे और दिवाली जैसा है। बिल्कुल बिल्कुल, उस दिन दिवाली जैसा माहौल है, इसलिए कथा हमने 4:30 बजे तक सीमित रखा। करेक्ट करेक्ट। तो शाम को सभी लोग घर जाके दिवाली जैसा ही माहौल रहेगा। उससे यहाँ भी दिए अगर लगेंगे, यहाँ भी, लेकिन लिमिटेड लोग आएंगे यहाँ पे। बिल्कुल, बाकी लोग अपने अपने घर जाके जी करेंगे। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, आपने जानकारी दी। जय श्री राम। जय श्री राम। तो दोस्तों यहाँ पे प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है, तो बढ़िया सामने प्रसाद लिया है, गोपाल लगा है अपने लाइन में। चलो प्रसाद लेके हम भी निकलते हैं घर की ओर। हमें गोपाल लगा हुआ है प्रसाद लेने में,
ये यहाँ के मंदिर के जो वॉलंटियर्स हैं वो एक अंकल हमारे पास आए और अभी बोले कि आप अंदर में भोजन प्रसादी चल रही है आप वो भी ले लीजिए, पर हम दोनों भी खाना खा के आए हैं घर से, तो नो नीड फॉर डिनर। देखिए दोस्तों मार्केट, पूरे मार्केट में धूमधाम, जहाँ वहाँ मस्त लाइटिंग वगैरह आयोज सब सजाया हुआ है। तो फ्रेंड्स देखो पूरे जो फ्लैग फ्लैग्स हैं झंडे हैं पूरे मार्केट में बेचने के लिए लाए हैं, और पूरा दिवाली से भी दिवाली लग रही है। यहाँ पे भी देखो पूरी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, ये सब देखो सब जोरों शोरों से तैयारी चल रहे कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखो पूरा शहर सजा हुआ है, लाइटिंग्स वगैरह पूरा बढ़िया लग रहा है, एकदम माहौल रामलला का बहुत जोर शोर से स्वागत होने वाला है। और ऐसा लग रहा है यार जैसे इस दिवाली में क्या पूरी, हाँ दिवाली एकदम बढ़िया। तो आप देख सकते हैं हर तरफ रोशनी, हर तरफ लाइटिंग, और लोग एक्चुअली अभी से काम में लग गए हैं, पूरे झंडे वगैरह लगवा रहे हैं अपने घर घर पे, चौक चौक में, पूरे मार्केट में, और पूरा रेड कलर का कपड़ा लगा है यहाँ से आप देख सकते हो, भगवा कलर का, केसरी कलर का पूरा कपड़ा अखंड उन्होंने लगाया है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यार बहुत। आप भी अपने घर में ऐसे ही डेकोरेशन कीजिए और राम जी का ऐसे ही जोर शोर से स्वागत कीजिए। आप देख सकते हैं आगे एक बार ये राम मंदिर है मार्केट का, लोगों ने भी अपने घरों घरों में लाइटिंग लगाई हुई है जैसे कि दिवाली है। ये राम मंदिर, श्री राम मंदिर, हर घर पर लाइटिंग लगी है अभी फिलहाल, जिसने भी नहीं लगाई है वो अभी लगवा रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम भी मीन्स पूरा जोश पूर्ण माहौल है, तो आप भी मस्त अपने घर पर सभी लाइटिंग लगाइए क्योंकि पूरा देश रोशनी से चमक रहा है। और ये जो विजय है दोस्तों ये बहुत सालों के प्रयत्न है क्योंकि बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है इसमें, तो बहुत ही जोश पूर्ण माहौल है। आप सबको हमारी तरफ से राम लला प्रतिष्ठापना की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी आपके घर में जोर शोर से लाइटिंग लगवाइए, खुशी का माहौल है, आपके परिवार सहित राम जी का स्वागत कीजिए, उस दिन दिए जरूर जलाइए क्योंकि ये जो विजय है ना ये कोई आसानी से नहीं हमको मिला है, इसमें कई सारे लोगों की जाने गई है, वो जो फाइल कोर्ट में चला था, केस कोर्ट में चली थी, वो कितने सालों से चली थी जिनको पता भी नहीं था कि ये कोई ऐसा मामला है जो कि कोर्ट में दर्ज हुआ है। तो ये कोई आसान माहौल नहीं है या कोई आसान मोमेंट नहीं है जो, तो आप सभी आपके घर में भी 22 तारीख को देखिए, आप देखो इतना सुंदर, बड़ी बड़े क्रेन से देखो, क्रेन में भी एक फ्लैग लगवाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए।